माननीय सदस्यगण, हम 17वीं लोकसभा के दूसरे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। 18 नवंबर 2019 को आरंभ हुआ था, अब तक हम 20 बैठ के कर चुके हैं, जो 130 घंटे 45 मिनट तक चली है। 18 नवंबर 2019 को चार नए सदस्यों ने शपथ ली, प्रतिज्ञा किया। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य का भी निपटान हुआ। वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों सामान्य पर चर्चा पर 5 घंटे 5 मिनट तक चली। वर्तमान सत्र के दौरान 18 सरकारी विधेयक पूरा स्थापित हुए, कुल मिलाकर 14 विधेयक पारित हुए। 140 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। औसतन प्रतिदिन 7.36 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इसके अतिरिक्त औसतन प्रतिदिन 20.42 अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर दिए गए। 27 नवंबर 2019 को सभी 20 तारांकित प्रश्न लिए गए। सदस्यों ने प्रश्नकाल के पश्चात और शाम को देर तक बैठकर लगभग 934 अविलंब लोकमत के मामले उठाए। निर्धारित बैलेट किए गए 20 मामलों की तुलना में प्रतिदिन औसतन 58.37 मामले उठाए गए। इसके अतिरिक्त स्थगन प्रस्ताव की 39 सूचनाओं को, जिन्हें उठाने की अनुमति नहीं दी गई थी, वो शून्यकाल के मामलों में अंतिम करके सभा में उठाने की अनुमति दी गई है। नियम 370 के अधीन कुल 364 मामले उठाए गए। इसमें से 121 मामलों को सभा में उठाया गया और 243 मामले सभा पटल पर रखे गए। स्थायी समितियों ने सभा में 48 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री के सरकारी कार्य के संबंध में 3 वक्तव्यों सहित मंत्रियों ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 15 वक्तव्य दिए गए। इस सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों ने 1,669 पत्र सभा पटल पर रखे गए। सभा में नियम 193 के अंतर्गत 2 अल्पकालीन चर्चाएं भी की गई। सबसे पहले वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के संबंध में चर्चा 7 घंटे 49 मिनट तक चली। विभिन्न कारणों से फसल की क्षति और उसका कृषकों पर प्रभाव विषय पर चर्चा 7 घंटे 21 मिनट चली। जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है, गैर सरकारी सदस्यों ने दूसरे सत्र के दौरान अलग अलग विषयों पर 28 विधेयक पूरे स्थापित किए गए। 22 नवंबर 2019 को अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 के प्रस्ताव पर आगे चर्चा की गई। उस दिन इस पर चर्चा पूरी नहीं हुई। गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के मामले में 29 नवंबर 2019 को केन बेतवा नदी संपर्क परियोजना के माध्यम से नहरों के निर्माण संबंधी संकल्प आगे चर्चा की गई। उस दिन इस सभा पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई। इस सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभा 28 घंटे और 43 मिनट देर तक बैठी। इस सभा की उत्पादकता 115% दर्ज की गई है। मंगलवार 26 नवंबर 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस की 17वीं वर्षगांठ मनाने एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मैंने इस सभा को संबोधित किया। इस समारोह में संसद की दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के संसद सदस्यों ने भाग लिया। संसद सदस्यों की क्षमता निर्माण के कदम के रूप में संदर्भ
प्रभाग द्वारा सभा के समक्ष महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर ब्रीफिंग सत्र आयोजित करने हेतु एक पहल की गई। इसका उद्देश्य सभा के विधायी मुद्दों पर संसद सदस्यों को जानकारी देना। एक बार जब विधेयक पूरा स्थापित हो जाता है तब विधेयक के संबंध में ब्रीफिंग सत्र रखा जाता है। इससे संबंधित मंत्रालय विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्यों को जानकारी देते हैं। सदन के वर्तमान शीतकालीन सत्र के दौरान अब तक 9 ब्रीफिंग सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। सदस्यों ने सत्रों के दौरान परस्पर चर्चाओं के आदान प्रदान तथा किए गए बहुमूल्य सुझावों की सराहना की गई है। मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति पालिका में शामिल सभी अपने माननीय सहयोगों उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, संसदीय कार्य मंत्री जी का, विभिन्न दल समूह के नेताओं का, माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए अत्यधिक कृतज्ञ हूं। मैं आज सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद करता हूं। मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवाओं के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव, अधिकारियों, कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन से संबंध एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं।